morning children, how are you all? I hope you all are good fine. So children, आज अपन पढ़ेंगे ग्रामर. आज आपको अपनी बुक ये शोक बुक निकालनी है या आपकी ग्रामर बुक है. ओके, इसका अपन आज पार्ट एक पढ़ेंगे. ओके, इसका पार्ट एक है हमारी भाषा. ओके, और टॉपिक जो हमारा है वो हमारी भाषा. क्या है हमारा टॉपिक? अवर लैंग्वेज, हमारी भाषा. ओके, चलिए अब इसमें आपको जो दिया हुआ है पेज नंबर फाइव ओपन करें. ओके, चलिए नीचे दिए गए चित्र को देखिए और लिखे हुए वाक्यों को पढ़ते हैं. अपन नीचे जो इसमें चित्र दिया गया है उस चित्र को अपन देखते हैं और नीचे जो क्या वाक्य दिया है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, बेटा पहले हाथ मुंह धो, लो मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है. ओके, क्या माँ क्या कह रही है? बच्चा कह रहा है माँ मुझे बहुत भूख लगी है और माँ ने कहा बेटा पहले हाथ मुंह धो लो, मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाई है? खीर. दोनों ने अपनी बात किस रूप में कही? मौखिक रूप में कही, बोलकर कही. एक तरीका होता है बेटा मौखिक रूप, बोलकर अपनी बात को कहना. बच्चों आपने देखा कि बेटे ने अपने मन की बात और माँ ने उसका उत्तर दिया, यही भाषा है. हम भाषा सुनते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं. हम भाषा को सुनते हैं, लिखते हैं और हम बोलते हैं. ओके, ठीक है. हम भाषा को क्या करते हैं? सुनते भी हैं, लिखते भी हैं और बोलते भी हैं. इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है. भाषा क्या? एक साधन है, एक जरिया है जो लिखकर और बोलकर अपने विचार दूसरे तक पहुंचाता है. ओके, क्लियर हुआ? चलिए सपोज अगर आपको कुछ बोलना है अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से, अपने दोस्तों से, अपने माता पिता या टीचर से, तो आप लोग कैसे बोलेंगे? बोल के. आप लोग बोल के मैडम तक अपनी बात पहुंचाएंगे. और एक जरिया क्या होता है? लिखकर. जैसे मैंने आप ब्लैक बोर्ड पे लिखा और आपको एक्सप्लेन किया, या मैंने कोई भी चीज लिखी वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी, एक तरीका ये हो गया. और सुनते हैं और उससे फिर हम समझते हैं. ओके, अब कौन कैसे बोलता है? यहाँ पे क्या दिया है देखो, कौन कैसे बोलता है ये चीज दी गई है. चलिए अब देखो यहाँ पे बहुत सुंदर सा एक पेड़ बना है, उस पेड़ के ऊपर बैठा है तोता, ठीक है. नीचे खड़ा है शेर, कुत्ता और मुर्गा, ठीक है. अब इन सब की आवाज दी गई है बेटा. जैसे बादल कैसे बोलते हैं? गड़गड़ बोलते हैं, ठीक है. और तोता कैसे बोलता है? टै टै टै. और मुर्गा कैसा बोलता है? कुकड़ू कू, ठीक. और शेर कैसे दहाड़ता है? शेर की आवाज दहाड़ता है ना, शेर दहाड़ता है. और कुत्ता कैसे बोलता है? भो भो. ओके, चलिए अब ये तो थी आवाज थी. काय की आवाज थी? बादल की, तोता की, शेर की, कुत्ते की और मुर्गे की. ओके, चलिए अब हम आते हैं पीछे. पेज नंबर सेवन आप ओपन करें. हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं. पहुंचाते हैं. जैसे इस पहले वाले पिक्चर में अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो देखिए ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं, बोलकर अपनी बात पहुंचा रहे हैं. और यहाँ पे यह लड़की बैठ के लिख रही है, ये अपनी बात लिखकर दूसरे तक पहुंचाएगी. ओके, चलिए अब हम आते हैं
नीचे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सांकेतिक भाषा है, यहाँ पे संकेत, ये सिपाही संकेत के द्वारा अपना अपनी भाषा बोल रहा है। देखो भाषा का एक और रूप माना गया है जिसे हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन व्याकरण में इस रूप को अधिक महत्व नहीं दिया गया है, परंतु ग्रामर पोर्शन में, ग्रामर में सांकेतिक भाषा को महत्व नहीं दिया गया है। लेकिन माध्यम एक ये भी होता है कि हम संकेत के द्वारा, मैंने बोल दिया चुप, तो आप लोग समझ गए तो आप लोग सब चुप हो जाएंगे। तो ये भी एक जरिया है, पर इसका इम्पोर्टेंस ग्रामर में नहीं है। ओके, इस प्रकार भाषा के तीन रूप होते हैं बेटा। कितने रूप होते हैं? तीन रूप होते हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप। पहला कौन सा होता है? मौखिक, मौखिक, ओके। और दूसरा कौन सा होता है? लिखित, लिखित, ओके। और तीसरा और सबसे आखिरी होता है संकेतिक। ओके, ये तीन माध्यम भाषा के होते हैं। इन दोनों का ज्यादा इम्पोर्टेंस रहता है, इसका ग्रामर में इतना, सांकेतिक का इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे भाषा के कितने रूप हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे? तीन रूप, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ओके, हमने सीखा, अब हमने क्या क्या चीजें सीखी? भाषा द्वारा मन की बात को हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, भाषा के द्वारा मन की बात को हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के तीन रूप होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। ओके, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना आदि भाषा के अंग हैं। भाषा के क्या अंग हैं? बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना भाषा के क्या है? अंग हैं, हिस्सा है। तो यह आपकी चैप्टर या आपका पार्ट एक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको दिया है चित्र, चित्र देखिए और सही शब्द में मिलान करें, इसको सुनने पे लगाएंगे, मैच करेंगे। अब यहाँ पे ये आपस में बोल रहे हैं, देन यू विल बी मैच हियर, इन दोनों को मैच करेंगे। बहुत सिंपल है, लिखना हो रहा है, पढ़ना, दादाजी पढ़ रहे हैं उस पे मैच करेंगे, और ये संकेत, इस तरीके से आपको इनको मैच करना है। बहुत सिंपल है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। ओके चिल्ड्रन, तो ये था हमारा पार्ट एक ग्रामर का, हमारी भाषा, भाषा के कितने रूप होते हैं? तीन रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और संकेतिक। ये मामले आपको बताए हैं, हम अपनी बात, भाषा अपनी बात लिखकर, बोलकर और संकेत द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट पार्ट में अपन और आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।